Good morning, everybody. In the last video, the last topic that we have discussed was the valence shell and the valence electron. These are the two topics that we have discussed in the last video. Okay. Now today I am just going to start with the another topic that is the valency. Okay. Now try to understand what exactly the valency is. So I would like to tell you that. Um, इट इज़ डिफाइन एज द कम कम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम आई ई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लूजर्स और शेयर बाय एन एटम टू गेट स्टेबिलिटी इज कॉल्ड द वैलेंसी है ना तो वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो एक एटम है वो या तो स्टेबल होगा या तो अनस्टेबल होगा और स्टेबल कैसे होता है और अनस्टेबल कैसे होता है ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी है ठीक है तो कोई भी एटम अगर अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो वो जितना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या जितना इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन वो दूसरे एटम के साथ में शेयर करता है तो वो जो नंबर है जो इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ कर रहा है जितने नंबर्स में या जितने नंबर में वो गेन कर रहा है या जितने सारे इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर रहा है तो वो डिफ़ाइन करता है उसका वैलेंसी अगर कोई एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके अपने आप को स्टेबल बनाता है तो उसका वैलेंसी वन होगा कोई अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को स्टेबल बनाता है उसका बैलेंस सी बी वन होगा कोई अगर एक आइटम अपना एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अगर अपने आप को स्टेबल बनाता है तो उसका बैलेंस सी बी वन होगा है ना तो जो मेटल्स होते हैं जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे तो वो उन बैलेंसीज पॉजिटिव शो करेंगे नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं उनका बैलेंसिस नेगेटिव होता है ठीक है तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा है हाइड्रोजन इसका बैलेंसी आपका प्लस वन है हीलियम का वैलेंसी ज़ीरो क्योंकि हीलियम का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो के सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स तो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उस सेल की उतने सारे तो आप इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे अवेलेबल हैं तो इसका मतलब ना ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना ये गेन करेगा ना लूज़ करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए तो इसलिए इसका वैलेंसी कितना हो गया जीरो और बाकी के जो भी नोबल एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन सारे नोबल एलिमेंट्स का जो वैलेंसी होता है वो भी बिल्कुल क्या होता है ज़ीरो ओके मैग्नीशियम का वैसे वैलेंसी टू है ऑक्सीजन का माइनस टू है, है ना तो वैलेंसी का मतलब आप कह सकते हो कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है या गेन करता है या शेयर करता है ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके और वही वैलेंसी होता है ओके ना नेक्स्ट एटॉमिक नंबर तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका एटॉमिक नंबर है ठीक है ना एटॉमिक नंबर बुक में मिल जाएगा और यहाँ पे बुक में आप देखोगे कि वन से लेकर के ट्वेंटी तक के जितने भी आइटम होते हैं सबका आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आपको क्लास सेवन से पढ़ाई है तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से जानते हो ठीक है और यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और ये टेबल जो है एक प्रोडिक टेबल है प्रोडिक टेबल है जो भी ये सारी चीज़ें आपको क्लास सेवन से ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं नेम ऑफ द एलिमेंट उनके सिंबल उनके एटॉमिक नंबर कितने प्रोटोन्स हैं कितने न्यूट्रॉन्स हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन और फिर उनके वैलेंसीज है ना तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो एक बार इसको आप रिवाइज कर लेना ओके अब मैं आता हूँ यहाँ पे एटॉमिक नंबर के ऊपर में देखो एटॉमिक नंबर क्या है एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल विच इज़ प्रेजेंट इन एटम देखो तो जैसे रदर का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ ठीक है ना और फिर हमें ये पता चला कि एक ऐटम के अंदर में तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं दे आर द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो एक एटम के अंदर में ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ठीक है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो होता है मूवेबल है मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी भी एटम से कभी भी निकल सकता है या किसी भी एटम में कहीं से आ सकता है क्यों क्योंकि अगर किसी के पास अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो तो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स निकालते रहेगा या किसी को इलेक्ट्रॉन से कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर एक्सेप्ट accept करते रहेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स uh, है वो मूवेबल है मतलब वो मूव कर सकता है क्यों क्योंकि अगर किसी के पास ज़्यादा है तो वो निकाल लेगा जैसे आप देखोगे कि सोडियम सोडियम के पास टोटल अटामिक नंबर इलेवन जो लास्ट वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को अपना लूज़ कर सकता है ताकि अपने आप को स्टेबल कर सके ऑक्सीजन ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है मतलब उसके पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ सकते हैं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवेबल है वो मूव करता रहता है ठीक है तो इन तीनों पार्टिकल्स में से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो मूवेबल है वो फिक्स नहीं होता है क्योंकि कभी वो जाएगा कभी आएगा तो ये फ़िक्स नहीं है तो फिक्स नहीं है तो देयर फॉर वी नॉट टेक द अटोमिक नंबर तो इसीलिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो नंबर है वो एज अ मै अटोमिक नंबर नहीं ले सकता हूँ ओके अब बचे कौन प्रोटोन्स और न्यूट्रॉन्स अब देखो न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एवरी आइटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन अब इन दोनों के केस में क्या है कि न्यूट्रॉन्स जो है वो सारे आइटम में प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन को छोड़ करके लेकिन जो प्रोटोन होता है वो सबके सब में प्रेजेंट होता है सबके सब में प्रेजेंट होता है तो देअर फॉर अटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एनी एलिमेंट इज द सम ऑफ द प्रोटोन प्रेजेंट इन इट आई ई डिनोटेड बाई जेड डिनोटेड बाई जेड कहने का मतलब यह है कि हमारे पास तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ठीक है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स तो मूवेबल है वो मूव कर सकता है कभी किसी में जाएगा कभी किसी में आएगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए है ना और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में से देखो कि न्यूट्रॉन जो होता है वो हाइड्रोजन के केस में एबसेंट होता है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है और प्रोटॉन सारे केस में होता है तो इसीलिए इन तीनों में से मैं इलेक्ट्रॉन्स को तो बिल्कुल नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा वैरी करते रहता है न्यूट्रॉन तो एक केस में एबसेंट होता है लेकिन प्रोटोन्स सब में प्रेजेंट होता है इसीलिए किसी भी एक आइटम में जितने सारे प्रोटोन्स होंगे उन सारे का सम जो है वो मेरे को एटॉमिक नंबर बताएगा ठीक है और उसको हम लोग डिनोट करते हैं जेड से ओके नेक्स्ट इज एटॉमिक मास ना एटॉमिक मास देखो अब तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इन तीनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो प्रोटॉन्स का मास और न्यूट्रॉन्स का मास जो था वो 2000 थाउजेंड टाइम हेवियर था इलेक्ट्रॉन्स के मास से ये चीज़ें मैंने पहले आपको बताई है मीन्स द मास ऑफ द प्रोटोन्स एंड द न्यूट्रॉन्स आर टू थाउजेंड टाइम हेवियर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन और वी कैन ऑल्सो से दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी लेस इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत लेस है है ना तो एक्चुअल में जो मास होता है किसी भी एक आइटम का इट इज़ ड्यू टू ओनली द सम ऑफ द प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्योंकि प्रोटोन और न्यूट्रॉन काफ़ी भारी होते हैं एज कंपेयर टू द इक्ट्रॉन्स ठीक है देखो मैंने क्या लिखा है विथ कंपेयर विथ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स आर वन बाई टू थाउजेंड टाइम इट्स मास अगर मैं प्रोटोन्स और न्यूट्रॉन्स प्रोटोन और न्यूट्रॉन को अगर इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करूंगा तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वन बाई टू थाउजेंड टाइम तो वन बाई टू थाउजेंड टाइम ये बहुत स्मॉल वैल्यू हुआ तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का मास जो होता है इन दोनों के सामने लगभग नेग्लेजल होता है ठीक है देयर द मास ऑफ एन एटम इज़ द सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटोन्स विच इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस तो किसी भी एक एटम में किसी भी एक एटम में जितने सारे प्रोटॉन्स और जितने सारे न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का अगर हम सम करेंगे तो वही मेरे लिए क्या बताएगा मास नंबर और एक चीज़ और कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होता है ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर में रहते हैं तो ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं तो इनको हम लोग न्यूक्लियस ही बोलते हैं तो अगर आपको मास नंबर निकालना है तो प्रोटोन और न्यूट्रॉन को आपको ऐड करना पड़ेगा तो प्रोटोन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियॉन से बोल सकते हैं देखो अब जब मास नंबर का ये टॉपिक बुक में पढ़ोगे तो आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन ऐटम वी कंक्लूड दैट द मास ऑफ एन ऐटम इज पार्शली ड्यू टू द प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स एलिमन दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन ऐटम द प्रोटोन प्रोटोन एंड द न्यूट्रॉन आर ऑल्सो कॉल्ड द न्यक्न्स अब देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ प्रोटोन्स और न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियंस बोलते हैं ओके न्यूक्स नाउ listen, तो यहाँ पे जो मास नंबर है उसको हम लोग प्रोटोन्स और न्यूट्रॉन्स को जब ऐड करेंगे तब हमारे लिए वो बिल्कुल भी मास नंबर देगा ओके okay? नाव देखो सिम्बॉल कोई भी एलिमेंट का सिंबॉल हम लोग जब लिखते हैं ये उसका सिम्बॉल को रिप्रेजेंट करता है उसके नीचे में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उसके टॉमिक नंबर और ऊपर में उसके मास नंबर को नीचे में अटॉमिक नंबर ऊपर उसके मास नंबर को जैसे यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल है हीलियम हीलियम का अटॉमिक नंबर टू मास नंबर फोर सोडियम मास सॉरी अटोमिक नंबर एलेवन मास नंबर ट्वेंटी थ्री तो कोई भी एक एलिमेंट का अगर हम लोग सिम्बॉल उसके अटोमिक नंबर और उसके मास को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक साथ तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है ओके नो नेक्स्ट द नेक्स्ट टॉपिक इज द आइसोटोप्स है ना नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइसोटोप्स नो ट्राई अंडरस्टैंड आइसोटोप्स आइसोटोप्स आर द आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग देयर अटोमिक नंबर हैव आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एमेंट हैविंग देयर अटोमिक नंबर अटोमिक नंबर यहाँ पे सेम यहाँ पे सेम होना चाहिए सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट द मास वेर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ न्यूट्रॉन अब आइसोटोप्स क्या है? समझते हैं देखो कोई भी एक एलिमेंट का दो अलग अलग वेरिएंट कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का दो अलग अलग वेरिएंट तो अगर एक ही एलिमेंट से अगर ये दोनों आ रहे हैं तो इनका जो एटॉमिक नंबर है क्योंकि नीचे जैसे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो दोनों के जो एटॉमिक नंबर होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे लेकिन दोनों के मास जो है वो बिल्कुल भी वैरी करते हैं तो आइसोटोप्स क्या है कि आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग देयर सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर इज़ डिफरेंट मास नंबर क्या होता है अलग अलग आता है तो मास वैरी ड्यू टू द वेरिएशन इन न्यूट्रॉन तो ये जो मास जो अलग अलग है यहाँ पे देखो इसका मास b है यहाँ पे इसका मास c है तो दोनों के मास तो अलग अलग हैं तो कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के दो अलग अलग एटम तो अगर एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग एटम आए हैं मतलब दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा आप देख सकते हो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है ए ए बट दोनों के मास नंबर डिफरेंट है तो मास क्यों वैरी करता है मास वैरी करने के पीछे रीज़न है कि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है वो वैरी करता है इसलिए मैंने यहाँ लिखा है देखो मास वैरी ड्यू टू द वेरिएशन इन द न्यूट्रॉन्स जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो क्लोरीन है तो क्लोरीन के दो अलग अलग वेरिएंट है तो यहाँ पे क्लोरीन के दो अलग अलग वेरिएंट है तो दोनों एटम तो क्लोरीन से आया है तो दोनों का जो एटॉमिक नंबर है देखो सेवनटीन है लेकिन दोनों का जो मासेज है वो बिल्कुल भी डिफरेंट है एक का थर्टी फाइव है और एक का थर्टी सेवन है यहाँ पे देखो थ्री आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के यहाँ पे तीन अलग अलग, अलग आइसोटोप्स होते हैं एच वन वन एच वन टू एच वन थ्री इसका नाम होता है प्रोटियम इसका नाम ड्यूटेरियम और इसका नाम ट्राइटियम ठीक है अब देखो यहाँ पे ऊपर वाला सारे का मासज़ होता है इसका मास वन इसका मास टू इसका मास थ्री ठीक है और सारे के नीचे जो नंबर होते हैं दीज आर द अटोमिक नंबर और अटोमिक नंबर इज़ इक्व टू नंबर ऑफ प्रोटोन्स तो देखो मैं प्रोटोन के सामने सब नंबर वन वन लिख दिया है तो अगर मास अगर वन होना है तो न्यूट्रॉन्स को बिल्कुल भी ज़ीरो होना पड़ेगा क्योंकि जीरो और वन को ऐड करेंगे तभी वन आएगा तो इसका मतलब जो प्रोटियम है उसमें न्यूट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं और यही वाला जो हाइड्रोजन है हमारे पास एटमोसफियर में काफ़ी ज़्यादा लार्ज परसेंटेज में अवेलेबल है अप्रोक्सीमेटली 98 परसेंट के आसपास में या उससे भी ज़्यादा आप कह सकते हो कि ये जो हाइड्रोजन है ये सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है हमारे पास ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है ड्यूटेरियम तो इसका मास अगर टू है तो प्रोटोन तो वन ही होंगे क्योंकि अटोमिक नंबर तो वन ही होना ना सबका तो इसलिए प्रोटोन तो वन हो गया तो अगर मैं एक न्यूट्रॉन को रखूंगा तभी तो वन प्लस वन यहाँ पर टू हो जाएंगे है ना तो इसका मतलब ये ड्यूटेरियम है इसमें आपको एक न्यूट्रॉन आ जाएगा ठीक है और ये लास्ट में ट्राइटियम इसका मास थ्री है तो प्रोटोन तो वन ही होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर तो वन होना है कि वो चेंज नहीं कर सकता है तो इसका मतलब न्यूट्रॉन्स को टू करना होगा तभी जाके टू वन और टू का एड थ्री आपको मिलेगा तो आप देख सकते हो कि ये तीनों जो है प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम दीज आर द थ्री आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन

तो इसमें जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा अटोमिक नंबर क्या होगा बिल्कुल डिफरेंट लेकिन मास क्या होगा सेम देखो यहां पर क्या लिखा लिखाऊं दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट अटोमिक नंबर बट दे आर मासेज आर सेम मतलब ये क्या है कि ये आइटम जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स से आए हैं तो जब दो एटम अगर अलग अलग एलिमेंट्स से आएंगे तो दोनों का तो अटोमिक नंबर तो बिल्कुल डिफरेंट होगा क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल अलग अलग एटम से आए हैं और हर एक एटम का बिल्कुल अपना अलग अलग अटोमिक नंबर होता है क्योंकि वो बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट्स से आए हैं ठीक है नाउ दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट देयर आर मासेज आर सेम लेकिन उनके मासेज आप देख सकते हो कि इनके जो मासेज क्या, हैं बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटोन्स आर डिफरेंट यहाँ पे इनका अगर अटोमिक नंबर अगर डिफरेंट है तो इनमें प्रोटोन्स भी बिल्कुल अलग अलग होंगे लेकिन अगर सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का बात करेंगे क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सम करने पे मेरे को मास मिलता है तो जब दोनों के मासिस सेम हैं तो दोनों के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करने पे मेरे को वैल्यू क्या मिलेगा बिल्कुल सेम मिलेगा ठीक है जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आर्गन एंड कैल्शियम आर्गन एंड कैल्शियम तो आर्गन का देखो अटोमिक नंबर एटीन है कैल्शियम का भी एटीन है आर्गन का अटोमिक नंबर फोर्टी है और कैल्शियम का भी अटोमिक नंबर फोर्टी है ठीक है तो आइसोबार्स क्या है कि आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ Uh, two different element having their different atomic number but their mass number are same so also we can say that if their atomic number is different means the number of proton present in them is different and they are having the same atomic number atomic mass sorry they are having the same atomic mass means they are uh, the sum of the protons and the neutrons are equal protons and neutrons are the equal so these are the example so these are the few important topics that we have discussed today whatever the topic is left that we are going to discuss in the next video thank you very much